जालौन में पुलिस ने कोच नगर के भाजपा उपाध्यक्ष को नाबालिग के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भाजपा नगर उपाध्यक्ष के खिलाफ यह कार्रवाई नाबालिग की शिकायत के बाद की है, जहां पुलिस ने भाजपा नेता के घर पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही घर से एक हार्ड डिस्क भी बरामद की है, जिसमें पुलिस को कई वीडियोज भी मिले हैं जिसमें आरोपी नाबालिग और महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी का मेडिकल कराते हुए जेल भेज दिया। पूरा मामला कोच कोतावली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है, जहां पर पुलिस ने भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर को सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई दो नाबालिग की शिकायत पर की है, जिन्होंने कोच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि भगत सिंह नगर निवासी राम बिहारी राठौर उनको घर में बुलाकर उनका यौन उत्पीड़न करता था। इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर को घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहां से एक हार्ड डिस्क, लैपटॉप तथा DVR भी बरामद हुई है। जहां पुलिस ने उसकी जांच की तो उसने कई ऐसे अश्लील वीडियो नाबालिग और महिलाओं के मिले हैं जिनका भाजपा नगर उपाध्यक्ष यौन उत्पीड़न करते थे, जिस पर पुलिस ने उस हार्ड डिस्क, लैपटॉप और DVR को जब्त कर लिया है। साथ ही भाजपा नगर उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। यह मामला सामने आने के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने आरोपी का मेडिकल चेक कराते हुए उसे जेल भेज दिया है। इस मामले में जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि दो अलग अलग मामले कोच कोतवाली में आए हुए थे, जिन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही छापेमारी करते हुए लैपटॉप, हार्ड डिस्क, DVR बरामद हुई है, जिसमें अश्लील वीडियो मिले हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आरोपी किसी पार्टी से है तो उन्होंने कहा कि अभियुक्त अब होता है, उस बारे में वह टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा वह पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जिससे और भी मामले सामने आ सकते हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उसने चोरी का मुकदमा उन लड़कों के खिलाफ लिखाया था, जिस कारण उसे फंसाया जा रहा है। बता दें कि आरोपी रिटायर्ड कानून को भी है और वह भाजपा में कई वर्षों से राजनीति कर रहा था, जिसे नगर उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई करेगी। जालौन से राहुल अजावत की रिपोर्ट। राम बिहारी, ये कब से कर रहे थे तुम ये काम? काम नहीं कर रहे थे, बच्चों के साथ लगातार यौन उत्पीड़न कर रहे थे। अच्छा, आप किस पार्टी में हैं? भाजपा में हैं। तो कौन से पद पर हैं इस समय आप? नगर उपाध्यक्ष हैं। तो जो FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, बच्चों ने FIR कराई है, तो बच्चों के साथ क्या करते थे आप? हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते थे। तो पुलिस वैसे ही पकड़ लाई, FIR वैसे ही हुई, बच्चे खुद ऐसे ही कह रहे हैं। फुटेज मिली है, वो तो क्या कह रहे हैं, उसकी भी नहीं है कि क्या CCTV फुटेज जो मिली? CCTV फुटेज तो हमने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करी, हमने चोरी करी हमारे यहाँ हार्ड डिस्क की, और उसमें से हमारे डॉक्यूमेंट चोरी करे। आप किसी पद पर सेवानिवृत्त हुए? कौन से पद पर सेवानिवृत्त हुए आप? रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अच्छा, सेक्सुअल हरेसमेंट का आया है मामला नाबालिगों के साथ, माइनरों के साथ, तो ये क्या गलत चार्ज लगाया गया? जी ऐसा आपका है नहीं? आपकी CCTV फुटेज से हार्ड डिस्क में कुछ वीडियो पुलिस को मिली है। पुलिस का कहना है कि उसमें तमाम सारी हकीकत आपकी दर्ज, बच्चों के साथ उत्पीड़न करते हुए उनका, क्या गलत है? गलत। CCTV से क्या छेड़छाड़ की गई है? और बच्चे साफ ब्याह कर रहे हैं बाद बाहर के, हमारे साथ गलत हो, पैसा देकर तो यही कर लिया गए। नहीं, क्या आपको ये हार्ड डिस्क के लिए ब्लैकमेल किया गया था? नहीं, ब्लैकमेल किया गया था हमें। कितने रुपए मांगे गए थे आपसे? लाने 25,000 रुपये महीना मांगे थे। किसने मांगे थे? सानू और सुमित। तो बच्चों को आप घर पे क्यों बुलाते थे? नहीं, हम नहीं बुलाते थे, अपने आप आते थे। अपने आप आते थे, हम नहीं बुलाते थे। कोंच कस्बे का एक प्रकरण कल सामने आया था, उसमें एक अश्लील हरकत और दुष्कर्म का मामला था। तो उसमें दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, उसमें एक लैपटॉप भी मिला है, DVR भी मिला, और हार्ड डिस्क सब पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है, और बिल्कुल सही विवेचना उसमें की जाएगी। आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी में कोई संबंध है? इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते। अभियुक्त हैं और अभियुक्त अभियुक्त होता है, वो गिरफ्तार है। सर, कब से ये इस तरह के कार्य में? ये सब जांच में प्रकाश में आएगा तो फिर बताया जाएगा आपको। कितने वीडियो सर अभी पुलिस के संज्ञान में हैं? कितने वीडियो? अभी तक तो दो वीडियो सामने आया, उसी पर दो अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं। सर, किसी सरकारी पद पर ये तैनात रहा? अब ये विवेचना में सामने आएगा तो फिर
बताया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।